अब तक आपने देखा कैसे सुल्तान रामा और तथाचार्य को दो दिन बाद फांसी पर चढ़ाने का ऐलान करते हैं। तथाचार्य सुल्तान के इस निर्णय से भयभीत होते हैं, परंतु रामा शांत रहकर अपनी चतुराई के सहारे इस समस्या से बचने का समाधान ढूंढता है। रामा की योजना अनुसार सुल्तान रामा और तथाचार्य को फांसी पर चढ़ने को उतावला देख चकित रह जाते हैं। अब आगे पंडित रामा कृष्णा, जैसा आपने कहा वैसा हमने किया, अब आगे क्या योजना है? अभी तो केवल प्रारंभ है आचार्य, अभी आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हाँ, अंतिम भूमिका, जिसके विषय में मैं आपको रात्रि में बताऊंगा। अच्छा। योजना अनुसार सभी अपना कार्य करें और जैसा मैंने समझाया था वैसा ही करिए। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं, चलिए। देखा गुरुवर, हमारी योजना सफल हुई। अवश्य अवश्य, मृत्यु को प्राप्त होने से पहले ही समस्त आनंद की प्राप्ति हो गई। भोजन, मिष्ठान, नृत्य, ये सब तो ठीक, असली आनंद तो आएगा मृत्यु के पश्चात। बिल्कुल उचित कहा गुरुवर, परंतु आपने देखा ना कितने मूर्ख हैं ये। हमने उन्हें अंत तक नहीं पता चलने दिया कि हम मृत्यु को लेकर इतने उत्सुक हैं क्यों? अरे वो फकीर अज्ञानी है, कुछ नहीं आता है उसको, कहता है सितारों का ज्ञान है, ढोंग करता है। यदि उसे ज्ञान होता तो तत्काल समझ जाता कि हम पूर्णमासी को ही मृत्यु को क्यों प्राप्त होना चाहते हैं। उस दिन ऐसा क्या विशेष है? आचार्य क्या कर रहे हैं? धीरे बोलिए धीरे, ये बड़ा रहस्य है, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। परंतु आप तनिक कल्पना कीजिए गुरुवर, पूर्णमासी के दिन मृत्यु के पश्चात हमारा अगला जन्म कितना भव्य, कितना आनंदमय और सुखों से भरपूर होगा। हमारा तो धैर्य का बांध टूटा जा रहा है, अधीर होते जा रहे हैं हम। ऐसा मन कर रहा है कि सुल्तान के फांसी का आदेश देने से पहले ही हम स्वयं अपने गले में फांसी का फंदा डाल लें। हमारा मरने का मन नहीं कर रहा है, बच जाएंगे ना? अच्छा, बच जाएंगे, चुप रहिए। थोड़ा धैर्य रखिए गुरु है, प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा, उसके बाद तो आनंद ही आनंद है। हम बच जाएंगे ना? अच्छा, बच जाएंगे। रामा, मृत्यु के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? प्रातःकाल सब ज्ञात हो जाएगा, चुप कर। गुनहगारों को पेश किया जाए। जी हुजूर। बर्दाश्त के बाहर है इनकी खुशी बाबा, बर्दाश्त के बाहर। आपने पता किया कि क्यों इतने उतावले हो रहे हैं फांसी चढ़ने के लिए? अल्लाह हुजूर, कुछ रास की बात मालूम होती है, जैसे सितारों की चाल और नक्षत्र से जुड़ा हुआ, बस वो क्या है ये तो नहीं मालूम, पर हुजूर इतना मालूम है अगर इन्होंने आज मौत का गले लगाया तो इनका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, इनकी जिंदगी बदल जाएगी। मर जाएंगे तो जिंदगी कैसे बदलेगी बाबा? अल्लाह हुजूर, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी क्या खास बात हो सकती है बाबा? बर्दाश्त के बाहर है ये, बेचैन हो रहा हूँ मैं, उतावला हो रहा हूँ ये जानने के लिए, पता कीजिए। अल्लाह, मैंने सितारों की चाल दरियाफ्त की है, आज कोई विपरीत योग है हुजूर। गुरुवर, स्मरण है ना क्या करना है? हाँ स्मरण है, सब स्मरण है।
तुम्हें स्मरण है या नहीं कि हम मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं? रामा अलविदा, अब सीधे स्वर्ग में भेंट होगी। रामा, बस तो जाएंगे ना? भरोसा रखिया करो, और हमारे पास इसके अतिरिक्त ना ही कोई दूसरा मार्ग है और ना ही कोई विकल्प। अच्छा, अब प्रारंभ करते हैं। मनी, इस बुड्ढे को फांसी के फंदे पर लटकते देखने का तो आनंद ही कुछ और होगा। सोच सोच अगर इस सच में मर गया तो। अरे लेकिन ये सुल्तान इतना समय क्यों लगा रहे हैं? बुड्ढे में शक्ति ही कितनी है, दो क्षण में प्राण निकल जाएंगे, बुड्ढा टैं बोल जाएगा। शीघ्र करें सुल्तान महाराज, शीघ्र करें। सर्वप्रथम मुझे फांसी पर लटकाएं। हाँ, क्या शीघ्र करें? शीघ्रता करके तुम स्वयं प्रथम फांसी पर चढ़ जाना चाहते हो? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम वरिष्ठ हैं, हम तुमसे अधिक ज्ञानी हैं, हम महान हैं। पहले हम फांसी पर चढ़ेंगे। सुल्तान, हमें फांसी पर चढ़ाने का आदेश दीजिए। आइए चढ़ाइए। अरे नहीं नहीं, पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। जानते हैं, समस्त लाभ तुम स्वयं उठा लेना चाहते हो, यह संभव है। पहला अधिकार हमारा है, हम चढ़ेंगे फांसी पर। नहीं नहीं, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। नहीं, हम चढ़ेंगे। हम चढ़ेंगे। मैं फांसी पर चढ़ूंगा। नहीं, हम चढ़ेंगे। हम चढ़ेंगे। हम चढ़ेंगे। चढ़ूंगा फांसी पर। हम चढ़ेंगे। नहीं नहीं, पहले हमारे गुरुजी को फांसी के फंदे पर लटकने दीजिए। हमारी खुशी का भी तो कुछ सोचिए। गुरुजी सुनिए, फांसी का फंदा लीजिए, गले में डाल दीजिए और लटक जाइए। अरे नहीं, पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। मैं चढ़ूंगा। अरे हम चलेंगे, कहा ना छोड़ी। क्या तमाशा लगा रखा है आप दोनों ने? क्या बचपना है, बच्चों जैसे जिद कर रहे हो, मैं लटकूंगा। कोई झूला है जो झूलने की जिद कर रहे हैं आप दोनों? फांसी है, फांसी का फंदा है। हैरान कर दिया आप दोनों ने हमें। कैसे लोग हैं आप दोनों, किस ग्रह से आए हैं? और महाराज कृष्णदेव राय, कैसी मुसीबत डाल दी उन्होंने हमारे गले। बिल्कुल उचित कहा सुल्तान महाराज, तो हम जैसे अभिशाप से मुक्ति पाइए। अरे हमारा जीवन अभिशाप ही तो है। मृत्यु की गोद में जाना तो परम सुख है। शीघ्र करें सुल्तान महाराज, विलंब ना करें। आज सूर्यास्त से पहले ही फांसी पर चढ़ जाना अत्यंत आवश्यक है। जो अपराधी स्वयं प्रस्तुत हो जाए वो अपराधी होता है। हम अपराधी हैं, हम चढ़ेंगे फांसी पर। हमें चढ़ाओ फांसी पर, हम इस शुभ अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। चढ़ाओ, चढ़ाओ। क्या खास बात है आज बाबा? देखिए, पहले फांसी पर मैं चढ़ूंगा गुरुवर, मैं बता रहा हूँ। पहले हम चढ़ेंगे। नहीं, पहले मैं चढ़ूंगा। पहले हम चढ़ेंगे। मैं चढ़ूंगा। हम चढ़ेंगे। मैं चढ़ूंगा। हम चढ़ेंगे। मैं चढ़ूंगा। अच्छा ठीक है, तुम चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। अगर हमें चढ़ना पड़ा ना तो प्रेत लुंडे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। पाप लगेगा तुम्हें। कितना हूँ गुरुवर, लटकेंगे भी साथ में और प्रेत बनेंगे भी साथ में। आप तो बस पकड़े रहिए, छोड़िए मत। हाँ, कहा ना छोड़िए। नहीं, आप छोड़िए, आप छोड़िए। मैं चुप रहो तुम दोनों। मेरी बात ध्यान से सुनो, माजरा क्या है ये मुझे सच सच बताओ, वरना तुम दोनों को मैं फांसी नहीं लटकने दूंगा। अरे बोलो, मैंने कुछ पूछा है? जी 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 सुल्तान महाराज, मैं आपको एक ही शर्त पर ये रहस्य बताऊंगा, यदि आप मुझे वचन दें कि आप सर्वप्रथम मुझे ही फांसी पर लटकाएंगे। मंजूर है हमें, पहले हम तुम्हें फांसी पर चढ़ाएंगे। अब बताओ क्यों तुम दोनों इतने उतावले हो रहे हो फांसी पर चढ़ने के लिए? जी जी, मैं बताता हूँ। सुल्तान महाराज, बात ये है कि हमारे राजपुरोहित ने भविष्यवाणी की है कि आज पूर्णमासी के दिवस जो भी पहले फांसी पर चढ़ेगा वो अगले जन्म में यहाँ का महाराज बनेगा। बाबा, क्या कह रहा है ये बाबा? हाँ हुजूर, मैं अभी अपना गणित देख करके बताता हूँ। हुजूर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फकीर बाबा, आपने भृगु संहिता का अध्ययन तो अवश्य किया होगा। जरूर। तब तो आपको ये अवश्य विदित होना चाहिए कि आज कैसा राजयोग है। अल्लाह, पता है मुझे। तो हमें क्यों नहीं इत्तला की गई?
आपको कुछ आता भी है? अल्लाह हुजूर, पंडित रामकृष्णा जो कह रहे हैं सही फरमा रहे हैं। हुजूर, मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया था कि आज विपरीत राजयोग है। आज के दिन जो यहाँ पे फांसी चढ़ेगा वो अगले जन्म में यहाँ का राजा बन जाएगा। अब समझ में आया है हुजूर? दोनों फांसी के फंदे पर लटकने के लिए इतने उतावले क्यों थे? हाँ, सत्य है। और जो उसके पश्चात फांसी पर चढ़ेगा वो यहाँ का महामंत्री बन जाएगा, अर्थात मरने के बाद पूरा राज्य हमारा होगा। मियां क्या कह रहे हैं आप? सत्य कह रहा हूँ सुल्तान महाराज, इसीलिए तो पत्र में मैंने वो परिवर्तन कर दिया था और अपनी फांसी की बात लिख दी थी। बन्ने खान जी, सही फरमाया सुल्तान, ये देखिए, ध्यान से देखिए सुल्तान, इन्होंने शाही फरमान के इबारत में रद्दो बदल कर दी है। हाँ सुल्तान महाराज, देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, घोर धार्मिक को चोर अधार्मिक लिखा है, चुराया लफ्ज जोड़ा, कुछ लिखा कुछ मिटाया है। अल्लाह, मरने का सारे इंतजाम कर लिए थे इन्होंने। अब अगर ये सुल्तान और वजीर बन गए तो हम लोग क्या करेंगे? बर्दाश्त के बाहर है गुस्ताखी, बर्दाश्त के बाहर है गुस्ताखी। है ना, है ना, है ना सुल्तान महाराज, देखिए एक और अपराध कर दिया मैंने, अब तो आप मुझे फांसी पर लटका ही दीजिए बस। ना 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 ना, पहले हमें फांसी पर चढ़ाइए, हमें फांसी पर चढ़ाइए, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं। नहीं 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 सुल्तान महाराज, आपने मुझे वचन दिया है फांसी पर मैं चढ़ूंगा। अरे आचार्य, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, अरे जल्लाद, मैं चढ़ूंगा। अरे रामा, तुम दोनों में से कोई फांसी नहीं चढ़ेगा, हम फांसी झूलेंगे। हम मरेंगे, अगले जन्म हम यहाँ के सुल्तान बनेंगे। हुजूर, ये क्या कर रहे हैं आप? आप तो पहले से यहाँ के सुल्तान हैं। दुरुस्त फरमाया आपने बाबा फकीर, दुरुस्त फरमाया आपने। दुरुस्त तो फरमाया सुल्तान महाराज, परंतु ये आप उचित नहीं कर रहे हैं। आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने वादा किया था कि आप पहले मुझे फांसी पर लटकाएंगे, तो अपना वादा पूरा कीजिए। नहीं नहीं, हम बनेंगे यहाँ के राजा, हम वरिष्ठ हैं, पहला अधिकार हमारा बनता है। नहीं नहीं, पहले मैं बनूंगा। हम बनेंगे। अरे नहीं आचार्य, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। अरे मुझे फांसी पर चढ़ाना है। जी हुजूर, पकड़ो इन्हें। अरे नहीं, अरे अरे मुझे राजा बनना है। क्या करूं, किसी सूरत में इनको मरने ना देना। अल्लाह हुजूर, अगर इस मुहूर्त पर किसी को फांसी ना दी जाए, वो कोई मारा ना जाए तो? फिर तो यहाँ के सुल्तान हम ही रहेंगे। अल्लाह, और हमारे बाद हमारे वलीअहद उनका हक हाँ किसी और को नहीं मिलेगा। हम सुल्तान शमशुद्दीन हुक्म फरमाते हैं कि हमारी सल्तनत में आज किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा। अरे वाह रामा, मान गया तेरी बुद्धि को। इन्हें पड़े सुल्तान को कुत्तों की तरह भूखा मरे। अरे हमारे बुड्ढे की फांसी स्थगित कर दी। क्या से क्या हो गया, ये बुढ़ो मरता तो हम राजगुरु बनते। राजगुरु, इस सुल्तान ने हमारे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। हम ऐलान करते हैं कि हमारी सल्तनत में हमेशा के लिए फांसी पर रोक लगा दी जाए।
पता नहीं ये सितारे कब योग बना ले। फांसी बंद। और इन दोनों को बाइज्जत सही सलामत विजयनगर पहुंचाया जाए। जी हुजूर। रास्ते में ना तो ये मरे और ना ही इन्हें कोई मार सके। पूरी हिफाजत से पहुंचाइएगा। जो हुक्म हुजूर। नहीं नहीं सुल्तान महाराज, ये आप उचित नहीं कर रहे हैं सुल्तान महाराज। हाँ। अच्छा, हमने तुम्हारे साथ उचित नहीं किया। वाह, जो तुम दोनों ने हमारे साथ किया उसका क्या। दिल तो करता है कि ऐसी सजा सुनाए कि मजबूर हैं हम सुल्तान बनने का। हम तुम दोनों को कोई मौका नहीं देंगे। ले जाओ इन्हें फौरन। जी हुजूर। पंडित रामाकृष्णा, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हम जीवित हैं। अभिनय बहुत अच्छा किया आपने। विश्वास तो महाराज को भी नहीं होगा जब उन्हें ये सब पता चलेगा। वैसे धन्यवाद आचार्य। इन विषम परिस्थितियों में यदि पंडित रामकृष्ण ने अपनी बुद्धि का प्रयोग ना किया होता तो अनर्थ हो गया होता। कदाचित गुरुवर आप भी हमारे समक्ष जीवित ना खड़े होते। जी जी, हम स्वीकार करते हैं महाराज। परंतु महाराज, हमने भी बड़े धैर्य और अद्भुत साहस का परिचय दिया। क्यों दिया ना? और हाँ, हमने आपकी भरपूर सहायता भी की। क्यों की ना? हाँ, जी गुरुवर, अब आप तो आप ठहरे। जी महाराज, हमारे सहयोग के बिना ये योजना सफल होना असंभव थी महाराज। मंत्रीवर, यह संपूर्ण घटनाक्रम साधारण नहीं है। अवश्य किसी न किसी का षड्यंत्र है। जो न केवल पंडित रामकृष्ण और गुरुवर अपितु पूरे विजयनगर राज्य को हानि पहुंचाना चाहता था। उचित है महाराज, आपका कथन सत्य है। मंत्रीवर, महाराज आप इस पूरे प्रकरण का परीक्षण कीजिए सूक्ष्मता पूर्वक और हमारे समक्ष उस अपराधी को प्रस्तुत कीजिए। विजयनगर राज्य का अहित सोचने का दुस्साहस करने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे। कड़े से कड़ा दंड मिलेगा उसे। जी महाराज। मंत्रीवर, इस पूरे कार्य के पीछे उद्देश्य क्या है ये जानना भी अति अनिवार्य है। आप निश्चिंत रहिए, इस कार्य में कोई चूक नहीं होगी। आज यदि पंडित रामकृष्ण ना होते तो अनर्थ हो जाता। महाराज, मैं तो कहता हूं इस पूरे घटना में कुछ हितकर भी हुआ है। इसमें हितकर क्या है? महाराज, हितकर ये हुआ है कि सुल्तान ने विजयनगर का संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, वो भी सभी शर्तों के साथ। क्या सत्य है? जी महाराज। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। इतना सब कुछ होने के बाद हमें आशा नहीं थी कि पंडित रामकृष्ण, हमें गर्व है आप पर। सराहना करते हैं आपकी बुद्धिमता की। महाराज, रनिवास से एक सूचना लाया हूं। सही, क्या सूचना है? महारानियों ने प्रश्न किया है कि पंडित तथाचार्य एवं पंडित रामकृष्ण क्या यात्रा से सकुशल लौट आए हैं। अगर वो लौट आए हैं तो क्या वो समस्त सामग्री लेकर आए हैं जिसकी सूची उन्होंने दी थी? इस विषय में उन्हें अभी तक कोई समाचार नहीं मिला, इसलिए वे अति व्याकुल हैं महाराज। ए बंधु! रामा, अब तेरे प्राण कोई नहीं बचा सकता, अंत समय आ गया है। पंडित रामकृष्ण, क्षमा करें महाराज, इस पूरे घटनाक्रम में तो मैं उस सूची के बारे में भूल ही गया। महारानियों ने जो सामग्री मंगवाई थी वो तो आप ला नहीं पाए, अनर्थ हो गया है। अब महारानियों के समक्ष जाकर आप ही स्पष्टीकरण कीजिए, हम तो इसमें नहीं पड़ेंगे। अरे रे रे महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? वहाँ तो मृत्युदंड से बच गया था, यहाँ कैसे बचूंगा? यहाँ तो मृत्युदंड अवश्य मिलेगा मुझे।
यही व्याकुल हो गया। सोच, घर पर सभी उपहार की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वहाँ क्या करेगा? हे ईश्वर, तूने क्या मुझे विपत्तियों में फंसे रहने के लिए ही जन्म दिया है? क्या उत्तर दूंगा मैं शारदा, अम्मा, गुंडप्पा और महारानियों को? हे देवी माँ, रक्षा करना। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.